दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होंगे और 11 फरवरी को मतगणना होगी। चुनावों से ठीक पहले सभी टीवी चैनल अपने अपने ओपिनियन पोल निकालते हैं। हालांकि ये ओपिनियन पोल पूरी तरह से मान्य नहीं होते, लेकिन इससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार जनता किस ओर झुक रही है। एबीपी न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली दोबारा आम आदमी की सरकार बनती दिख रही है। एबीपी के ओपिनियन पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को 59 सीट मिल रही हैं, जो 2015 के मुकाबले 8 सीट कम हैं। तो दूसरी ओर भाजपा, जिसे पिछले चुनाव में मात्र 3 सीटें मिली थीं, इस बार भी भाजपा को केवल 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार के मुकाबले 5 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, जिसका 2015 में खाता तक नहीं खुला था, इस बार भी कांग्रेस काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। एबीपी के ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को इस बार मात्र 3 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें और सरकार बनाने के लिए 36 का आंकड़ा है। एबीपी सर्वे के अनुसार अगर वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी को 53.3% वोट मिल रहे हैं। तो वहीं के दिल्ली के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो इस बार विधानसभा में 25.9% ही वोट मिल रही हैं। कांग्रेस को केवल 4.7% वोट मिल रहे हैं। दिल्ली के 70 सीटों की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री के तौर पर ज़्यादातर लोगों की पसंद केजरीवाल हैं। सीएम पद के लिए अगर हम बात करें तो 11% लोग भाजपा के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को पसंद किया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को केवल 1% लोग ही सीएम के लिए पसंद करते हैं। कांग्रेस के अजय माकन को 7% लोग ही चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। दिल्ली में बीजेपी को 56.58% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 22.46% वोट लेने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी को वोट शेयर के मामले में तीसरे पायदान पर थी और उसे सिर्फ 18% वोट मिले थे। तो दोस्तों, ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बेल का आइकन देख रहे हैं, इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।